घर हो या ऑफिस, हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं या हमारे दिल से जुड़ी होती हैं। अगर वो चीज़ें गुम हो जाए तो हमें बहुत ही दुख होता है। और उसी तरह ऑफिस में भी ऑफिस की सारी चीज़ें, ऑफिस के प्रोडक्ट, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉय, उनके कंप्यूटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही महंगी होती हैं, और उन सब की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और हमने सिक्योरिटी के लिए बाय किया है भाई कैमरा, और ये कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें आप लोगों को भाई प्राइस बहुत ही कम मिलती है, और ऊपर से ये नेटवर्क मॉनिटर कैमरा जिसको आप लोग अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि भाई हमारा जो सेटअप है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें जिनकी सिक्योरिटी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने दिल पर हाथ रख के कैमरा बाय कर लिया। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसा यह कैमरा, कितना प्राइस है, कितने मेगापिक्सल कैमरा है, कैसे काम करता है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करो। और आपका एक काम अभी तक रह गया, अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 लाख की फैमिली कंप्लीट होने ही वाली है। बस आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो 1 लाख जो फैमिली हमारी पूरी हो जाएगी। बाकी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में हमें ये कैमरा देखने को मिला, और जब कैमरा आया था मैंने इसको ओपन करके देख लिया था। इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग है, चलो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करोगे अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है, और इस बॉक्स को निकालते हैं बाहर और इस बड़े बॉक्स को फेंकते हैं साइड में। तो जैसे कि आप लोग बॉक्स को निकालोगे, सबसे ऊपर इस तरीके को आपको कुछ बॉक्स देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का यहाँ पर स्लोगन, और इस साइड में भाई कैमरा, और कैमरा की कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जैसे कि स्मार्ट ड्यूल कैमरा है, पैरामीटर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, एक नया स्मार्ट H.265+ का प्रोसेसर मिलता है, SMD यानी कि इसको आप लोग अपने जो कैमरा है इसको आप लोग अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। बैक साइड में सेम यही फीचर, इस तरह कैमरे की कुछ स्पेसिफिकेशन प्राइस देखने को मिलता है, एंड इस साइड भी कैमरा का प्राइस। और कैमरा के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर कैमरा का प्राइस आप लोगों को 14,500 रुपये देखने को मिलता है। बाकी चलो इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे हम लोग इस बॉक्स को ओपन करेंगे, और भाई पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग भाई पूरे कैमरे की काफी बढ़िया थी। बॉक्स को ओपन करोगे सबसे ऊपर आप लोगों को इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो देखने को मिलेगा, ये रहा इंस्टॉलेशन गाइड, एंड ये रही इसकी पेपर वर्क, भाई कैसे इस कैमरे को पूरा सेट करने की बुक दी गई, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। और ये रहा भाई मैनुअल डाउनलोड्स, कैमरे के जो भी सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं वो आप लोग इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी भाई पैकेजिंग, यहाँ पर पॉलिथीन जो आपको रैपर देखने को मिलता है उसके अंदर देखने को मिलती है, एंड उसके नीचे रहा भाई कुछ स्क्रू, अगर आपने कहीं कैमरा होल्ड करना तो उसके स्क्रू दी गए हैं, और साथ में भाई कैमरा की जो वायर्स है उनको पूरा अच्छे से ढकने के लिए, पानी से बचाने के लिए आप लोगों को प्रोटेक्शन भी दी गई है। इन सब चीजों रखते हैं साइड में। बाकी ये रहा कैमरा और ये रहा बॉक्स, इसको भी रखते हैं साइड में। और हाँ, ये कैमरा आप लोगों को 4 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है 3.6mm के लेंस के साथ, तो कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी। बाकी नाइट विजन का सपोर्ट भी इसमें है, यानी कि आप लोगों को अगर नाइट में अगर आप लोग इस कैमरा को ऑन करके रखते हो, इसमें आप लोगों को फ्लैशलाइट भी देखने को मिलती है, यानी कि कैमरा के अंदर आप लोगों को क्लियर एंड कलरफुल पिक्चर जो है नाइट में वो देखने को मिलेगी, और मोशन कंट्रोल का फीचर इस कैमरा में है। जब कोई बंदा भाई आपके कैमरा के सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। चलो इसको रैपर में से निकालते हो। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर लगाया गया है भाई एक रबड़, इसको करते हैं साइड में। और फाइनली भाई ये रहा कैमरा, तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। और भाई कैमरा का वेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भाई एक मटेरियल जो है पूरा का पूरा लोहे का देखने को मिलता है। ये देखिए भाई पूरा का पूरा ये जो ऊपर इसका है लोहे का देखने को मिल रहा है, नीचे भी लोहे का, बस ये आपको ये जो इसकी पैनल है ब्लैक कलर का ये भी आपको लोहे का देखने को मिलता है, यहाँ तक कि जो होल्ड करने का पैनल है ये भी आप लोगों को लोहे का देखने को मिलता है। तो कैमरा काफ़ी भारी है, जो क्वालिटी है मटेरियल की भाई काफ़ी बढ़िया है। सामने की तरफ आपको कैमरा देखने को मिलता है, दो लाइट, एक रही वाइट लाइट, एक रही पीली लाइट, जो अच्छे से काम करती है नाइट में। और इस सब की ओर भाई एक लैमिनेशन जो है वो देखने को मिली, तो प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़िया है। और ये रहा होल्ड, और ये रही इसकी वायरिंग, जिसको आप लोग भाई अपने कैमरा कंट्रोल जहाँ से आप लोग करोगे पूरी वायरिंग के साथ अटैच करके आप लोग उस कैमरा को रनिंग कंडीशन में लगा सकते हो, और इसको आप लोग कहीं पर भी होल्ड कर सकते हो। होल्ड भी दिए गए हैं तो होल्ड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, होल्ड दिए हैं। और अगर आप लोगों ने कैमरा को मूव करना तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए भाई अच्छा सा एक चीज़ दी गई, जिससे आप लोग पूरे कैमरा को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है, साइड करना है, तो सब मूवमेंट के लिए आपको अच्छे से भाई यहाँ पर सब कुछ दिया गया है।
तो ये रहा कैमरा जो आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। भाई कैमरा की प्राइसिंग 4500 रुपया है, लेकिन जो मटेरियल पूरा का पूरा लोहे का है, बारिश का भी कोई फर्क इस कैमरे पर नहीं पड़ेगा, वाटरप्रूफ आपको एक कैमरा मिलता है। बाकी इस कैमरे से जो भी फुटेज रिकॉर्ड होगी उस सबको स्टोर करने के लिए आप लोग इसके अंदर के मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिप मिलेगा, उसके दोनों नेट को ओपन करो एंड यहाँ पर आप लोगों को मेमोरी कार्ड लगाने का सकॉल मिल जाएगा। उसके ऊपर एक रिसेट का बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग पूरे कैमरा को रिसेट कर सकते हो, यानी कि जो भी डाटा है वो आप लोग डिलीट कर दो, फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से आपका जो मेमोरी कार्ड है वो खाली हो जाएगा एंड आप लोग और डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो। तो यह भाई काफी अच्छा ऑप्शन है कि मेमोरी कार्ड के अंदर ही आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी बंदा इस कैमरा को बाय करना चाहता है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और भाई इतना बोलता हूं, अगर आप लोग इसको बाय करोगे तो मटेरियल जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी काफी बढ़िया होगी, पूरा का पूरा कैमरा लोहे का देखने को मिलता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के बाय कर लेना।